Hey everyone, my name is Aditya and welcome back for another video. Guys, आज के इस वीडियो में मैं Mars by GSK के अल्फा अर्ब्यूटिंग फेस सीरम का रिव्यू करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि ये प्रोडक्ट कैसा है, ये करता क्या है, क्या ये वर्थ इट है, क्या आपको परचेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसे यूज कैसे करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सो गाइस, इस रिव्यू को हम स्टार्ट करेंगे इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग से। तो इस प्रोडक्ट की पैकेजिंग की बात करें तो इसका जो जार है एक बॉक्स के अंदर आता है। फ्रंट में आपको बॉक्स के इसके मेन इंग्रेडिएंट्स दिख जाते हैं इसके अंदर क्या है। अगर आप बॉक्स को साइड में करेंगे तो इसके अंदर आपको जो इंग्रेडिएंट्स है उनका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, साथ के साथ जो और भी इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर यूज़ कर रखे हैं उन सबका नाम बता रखा है। अगर आप साइड में और देखेंगे तो इसके डायरेक्शन दे रखे हैं आपको इसे कैसे यूज़ करना है एंड कैसे लगाना है, इसकी एक्सपायरी डेट। जब आप बॉक्स को ओपन करेंगे तो आपको इसकी बॉटल मिलती है, एक हैवी ग्लास की बॉटल है एंड इसके ऊपर भी वो सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है जो इसके बॉक्स के ऊपर दे रखी है। बॉटल की जो क्वालिटी है वो काफ़ी सही लगी है मुझे, हैवी फील होती है हैंड्स के अंदर, तो इसकी जो पैकेजिंग है मुझे बढ़िया लगी है। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसके अंदर आपको चार अलग अलग तरीके के इंग्रेडिएंट मिल जाते हैं, जैसे कि आपको इसके अंदर अल्फा अर्बुटिन मिल जाएगा, ओजिक एसिड मिल जाएगा, एलोरोनिक एसिड भी मिल जाएगा एंड एलोवेरा मिल जाएगा। अल्फा अर्बुटिन की बात करें तो ये हेल्प करता है आपके सन से जो स्पॉट्स होते हैं आपके फेस के ऊपर एंड पिगमेंटेशन आते हैं आपके फेस के ऊपर उन्हें फेड करने में एंड आपकी जो अपीयरेंस है उसे इम्प्रूव करने में। ओजिक एसिड की बात करें तो इससे आपके फेस के ऊपर एक एंटी एजिंग इफेक्ट आता है एंड इसके अंदर कुछ आपको एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज भी मिल जाती है जो आपके फेस के लिए काफी अच्छी होती है। हाइलुरोनिक एसिड की बात करें तो ये आपकी स्किन के मॉलिक्यूल्स के अंदर वाटर को होल्ड करने में हेल्प करता है जिससे आपकी स्किन साफ और हाइड्रेटेड रहती है। एंड फोर्थ जो इंग्रेडिएंट है एलोवेरा, ये सूद करता है आपकी स्किन को इस सुपर एलो जेल की वजह से एंड जिससे आपकी जो स्किन होती है वो काफी ज्यादा कूल रहती है एंड वो काफी देर तक आपको फील होता है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं कि इसे यूज कैसे करना है एंड मैं पर्सनली इसे कैसे यूज करता हूँ, इससे मुझे कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट स्टेप के अंदर आपको अपने फेस को वाटर से वॉश करना है, देन आपको ये वाला जो सीरम है इससे इसकी बॉटल को अच्छे से शेक करना है एंड इसको ओपन करके आपको एक सफिशियंट अमाउंट अपने हैंड्स के अंदर लेना है। इसकी जो कंसिस्टेंसी काफी सही है, आप इसे अच्छे से अपने फेस के ऊपर मसाज करेंगे, अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो इजीली आपकी स्किन के अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाए। देन आपको इसे अपने फेस के ऊपर ऑलमोस्ट एक घंटे तक छोड़ देना है। तो गाइस ये तो बात हो गई इसके अंदर कैसे इंग्रेडिएंट थे, इसे यूज कैसे करना है, बट अब बात कर लेते हैं इससे कैसे रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो मेरे फेस के ऊपर अभी भी काफी ज्यादा मार्क्स है, काफी ज्यादा डार्क स्पॉट्स बचे हुए हैं, बट जब से मैंने इसे यूज करना स्टार्ट किया है तब से लेके अब तक इनमें काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है मुझे। बिकॉज पहले जब मेरे फेस के ऊपर ये मार्क्स थे वो काफ़ी ज़्यादा थे, अभी जो दिख रहे उससे भी काफ़ी ज़्यादा थे, तो डेफिनेटली इसने उन्हें कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। एंड अभी मैंने इसे ज़्यादा टाइम तक अप्लाई भी नहीं किया है, ज़्यादा टाइम तक यूज़ भी नहीं किया है, तो जब मुझे लगता है कि मैं इसे अराउंड 30 डेज तक यूज़ कर लूँगा तो मेरे फेस के ऊपर से जो जितने भी मार्क्स है वो काफ़ी ज़्यादा लाइट कर देगा, ओवरऑल मेरी स्किन को काफ़ी ज़्यादा हेल्दी बनाएगा ये वाला Mars by GSK का सीरम। सो गाइस बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, क्या मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, क्या आपको ये परचेस करना चाहिए। तो गाइस अगर आपको ऐसे हैं जिसके फेस के ऊपर कुछ ज्यादा ही मार्क्स है, आपके डार्क स्पॉट हो रहे हैं, पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आपको बार बार आती है, तो आपको इसे करना चाहिए यूज, बिकॉज ना सिर्फ इसने मुझे कम करने में अपीयरेंस इसकी हेल्प की है मेरे फेस के ऊपर जो डार्क स्पॉट है उन्हें, बट साथ के साथ जो नए पिगमेंटेशन आपके फेस के ऊपर आते हैं, नए पिंपल्स वगैरह निकल के आते हैं, अगर आप इसे रेगुलरली यूज़ करते हैं तो आपके वो भी होना कम हो जाएंगे आपके फेस के ऊपर एंड आपको एक नोटिसेबल चेंज देखने को मिलेगा आपके फेस के ऊपर बिफोर टू आफ्टर में, जो मुझे डेफिनेटली देखने को मिला इसके बाद, बिकॉज पहले बहुत ज़्यादा हो रहे थे एंड अब भी काफ़ी ज़्यादा लिमिट हो चुकी है उनकी एंड मुझे पता है कि थोड़े टाइम में ये जो मार्क्स है ये भी निकल जाएंगे इस प्रोडक्ट की हेल्प से, तो मैं डेफिनेटली इसे रिकमेंड करता हूँ आप लोगों को। गाइस अगर आपको प्रोडक्ट परचेस करना है तो इसका जो बेस्ट बाय लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ के साथ आपको एक कूपन भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में एंड अगर आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपकी रिपीटेटिव परचेस पे आपको 30% ऑफ मिलेगा, तो आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे बच भी जाएंगे एंड आपको एक फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा जिस पे अगर आप कॉल करेंगे आपको फ्री कंसल्टेशन मिल जाएगी एक हेल्थ कोच। Mars by GSK का एक ऐप भी आता है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो अगर आप वहाँ से जाके प्ले स्टोर से उसे डाउनलोड करेंगे तो आपको एक फ्री ऑनलाइन असेसमेंट मिलेगी जिससे आपको अगर कोई भी प्रोडक्ट आपके लिए चूज करना हो ना आप कंफ्यूज हो रहे हो तो उसमें आपको गाइड मिल जाएगी, इसकी हेल्प से आप अपने लिए राइट प्रोडक्ट चूज कर पाएंगे। गाइस Mars by GSK की सबसे बेस्ट पार्ट मुझे ये लगता है कि इससे आपको एक फ्री कंसल्टेशन मिल जाती है हेल्थ कोचेस के साथ में एंड वो आपका फ्री डाइट एंड एक्सरसाइज प्लान भी बना के देते हैं आप लोगों को, इन सब के लिए आपको कोई भी हिडन चार्जेस नहीं पे करना। तो ये था मेरा रिव्यू Mars by GSK के अल्फा अर्ब्यूटिंग फेस सीरम का, होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अगर आपको सही लगा है, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा
लगा देन मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं देन मेक श्योर टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। अगर आप मुझसे सोशली कनेक्ट होना चाहते हैं तो सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इस प्रोडक्ट का भी लिंक आपको मिल जाएगा जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू गाइस सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई लव यू ऑल एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन। अंटिल देन कीप स्टाइलिंग एंड प्रॉ।